हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पूरे फैक्ट के साथ मिलती हैं। तो एक अच्छा वातावरण ना सिर्फ इंसानों के लिए बल्कि जानवरों और पेड़ पौधों के लिए भी बेहद ज़रूरी होता है। पिछले कुछ दशकों से या सदियों से हम आपको इंडस्ट्रियलाइज़ कर रहे हैं अपने आप को, जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमें हमारे वातावरण पर देखने को मिल रहा है। पेड़ पौधे में और जानवरों में बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिला है, और ना सिर्फ पेड़ पौधों बल्कि इंसानों में भी, क्योंकि प्रदूषण से संबंधित बीमारियां हमें बहुत ज़्यादा हो रही है और हर साल लाखों करोड़ों लोग प्रदूषण से होने वाली बीमारियों से मर जाते हैं। और प्रदूषण फैलाने का सबसे बड़ा कारण तो आपको पता है, प्रदूषण तो है ही, लेकिन सबसे बड़ा कारणों में से एक प्लास्टिक है, और उसमें भी सिंगल यूज़ प्लास्टिक। प्लास्टिक हमारे वातावरण को बहुत ज़्यादा प्रदूषित करता है, चाहे वो एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन हो या फिर लैंड पोल्यूशन। हर जगह आपको प्लास्टिक के नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, और हर जगह प्लास्टिक अपने वातावरण को प्रदूषित कर ही देता है। और अब सरकार ने भी प्लास्टिक के जो नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहे हैं वातावरण पर हमारे, उसको देखते हुए 1 जुलाई 2022 से प्लास्टिक, सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। और क्या क्या है सरकार की मंशा, क्या होता है ये सिंगल यूज प्लास्टिक और ये किस तरह से हमारे वातावरण को इफेक्ट कर रहा है, आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम न्यूज़ आर्टिकल्स देख लेते हैं। द लॉजिकल इंडियन, सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम बैन इन इंडिया फ्रॉम July 1 ऑनवर्ड, हियर इज ऑल यू नीड टू नो। तो बात करते हैं कि 1 जुलाई को सिंगल यूज़ वाले प्लास्टिक को पूरे भारत में बैन किया जाएगा, और सरकार और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने इस साल की शुरुआत में सिंगल यूज़ प्लास्टिक के प्रोड्यूसर, स्ट्रीट वेंडर, दुकानदार और जनरल पब्लिक को इस बारे में बताना शुरू कर दिया था कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर केंद्र सरकार बैन लगाने वाली है। और अगर हम इसमें से देखें कि सामान क्या क्या बैन होगा, तो प्लास्टिक स्टिक्स जो बैलून वगैरह में लगती है, फ्लैग झंडे वगैरह में प्लास्टिक के जो सामान लगते हैं, कैंडी जो लॉलीपॉप होता है उसमें प्लास्टिक की वो लगती है, आइसक्रीम में लगता है, एयरबड्स जो हम कान वान साफ़ करते हैं, थर्मोकोल यूज्ड इन डेकोरेशन, जो डेकोरेशन में थर्मोकोल यूज्ड है वो आइटम्स सच एज प्लेट्स, कप्स जो दोने पत्तल होते हैं वो, ग्लासेस एंड कटलरी, रैपिंग एंड पैकिंग फिल्म यूज्ड इन स्वीट बॉक्सेस, इनविटेशन कार्ड, सिगरेट पैकेट, स्टीरर्स एंड प्लास्टिक बैनर्स लेस देन 100 माइक्रोन इन थिकनेस बैन इन फ्रॉम 1 जुलाई। तो यहाँ पर जितने भी ये जो सामान हैं इनकी अगर मोटाई 100 माइक्रोन से कम होगी तो वो पूरी तरह से बैन होंगे। और इसके अलावा जो 120 माइक्रोन की जो चीज़ें होंगी वो 31 दिसंबर 2022 से बैन हो जाएगी। लेकिन सवाल यह आता है कि सरकार सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर बैन क्यों लगा रही है। तो देखिए, इसे जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक क्या है। तो जैसे हमने नाम से ही पता चल रहा है कि प्लास्टिक एक ऐसा प्लास्टिक होता है कि जिसका इस्तेमाल हम सिर्फ एक ही बार कर सकते हैं, यानी कि एक बार इस्तेमाल करने के बाद इसे डिस्पोज करना होता है, यानी कि या तो हम इसे फेंक देते हैं या हम इसे रिसाइकल कर देते हैं। रिसाइकल तो हम बड़े लेवल पर नहीं करते हैं, तो अक्सर हम इसे फेंक ही देते हैं। और अक्सर सिंगल यूज़ प्लास्टिक का इस्तेमाल शॉपिंग बैग, जूस और कोल्ड ड्रिंक स्ट्रॉ, कॉफ़ी स्टिरर्स, सोडा और वाटर बॉटल, ज़्यादातर खाने पीने के सामान में होता है। और सरकार इसे क्यों बैन करना चाहती है, तो देखिए, प्लास्टिक वेस्ट भारत की एक बहुत ही बड़ी समस्या है। साल 2018-19 में भारत में 30.59 लाख टन प्लास्टिक वेस्ट जनरेट हुआ था, तो अगले साल ही 35 लाख टन से भी ज़्यादा प्लास्टिक वेस्ट जनरेट हुआ था। तो प्लास्टिक वेस्ट साल दर साल बढ़ रहा है, और प्लास्टिक डिकम्पोज नहीं होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये हमेशा हमारे वातावरण में रहने वाला है, ख़त्म नहीं होता है ये। और इसके अलावा हम इसे जला भी नहीं सकते, क्योंकि अगर हम इसको जलाएंगे तो टॉक्सिक और हार्मफुल गैसें निकलती है जो सीधे हमारे शरीर को नुकसान पहुँचाती है। तो ऐसे में स्टोरेज इसका एकमात्र उपाय बचता है। प्लास्टिक अलग अलग रास्तों से होकर नदियों में, समुद्र में, झीलों में, तालाब में पहुंचता है, तो इसका प्रभाव वातावरण पर बहुत ज़्यादा होता है। इतना ट्रैवल करने पर यह प्लास्टिक एक माइक्रोप्लास्टिक बन जाता है जो मछलियों द्वारा खा लिया जाता है, और फिर वही मछली हम खा लेते हैं, तो ये सही नहीं है। और ये सही क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए इसमें 9 रीज़न बताए गए हैं। ये मेड फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स, यानी कि जो फॉसिल फ्यूल होता है ना, क्रूड ऑयल, पेट्रोल, डीजल, गैसेस है, इनसे बनता है, तो ये तो वैसे भी हमारे वातावरण के लिए सही नहीं होता है, इससे तो कार्बन फुटप्रिंट बहुत ज़्यादा हो रहा है। दूसरा है ह्यूज कार्बन फुटप्रिंट, यानी कि कार्बन फुटप्रिंट हमारे आसपास बहुत ज़्यादा प्रदूषण बढ़ रहा है हमारे वातावरण में, जो जहाँ पहले कम होता था अब ज़्यादा हो गया है। विल स्टिल बी हियर इन हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, यानी कि यहाँ पर सैकड़ों सालों तक रहेगा। अगर आपने प्लास्टिक बना लिया तो वो ख़त्म ही नहीं होगा, ना उसको कीड़े लगेंगे, ना सड़ेगा वो, ना कुछ होगा, वो हमारे वातावरण में रहेगा और प्रदूषण करता जाएगा। 4. ओनली टाइनी परसेंटेज इज रिसाइकल, यानी कि अगर हम 100
प्लास्टिक बना रहे हैं तो उसमें से 1-2% ही हमारा रिसाइकिल होता है, बाकी का हमारा वेस्ट हो जाता है। तो बहुत छोटा सा हिस्सा ही हमारा रिसाइकिल हो पाता है, तो फिर भी ये हमारे वातावरण में होता है। 5 लीच इज टॉक्सिक्स इनटू फूड एंड ड्रिंक, यानी कि हम जो भी फूड और सामान वगैरह जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो प्लास्टिक में पैक करते हैं, तो प्लास्टिक में पैक करते हैं तो हमारे वो खाने पीने के आइटम में भी वो प्लास्टिक के जो कुछ टॉक्सिक्स मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारे खाने पीने के आइटम में भी पहुंच जाता है, तो ये फिर भी उसमें हमारे खाने को ख़त्म कर देता है। 6 कॉजेस हार्मोन डिस्टर्बशन एंड कैंसर, अगर हम इसका ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो हमारे शरीर में हार्मोनल चेंज हो जाएंगे, डिस्टर्बशन हो जाएंगे, और ये कभी कभी एक कैंसर का कारण भी बनता है। 7 पॉल्यूट्स अवर ओशंस, यानी कि ये हमारे महासागरों को भी बहुत ही गंदा कर रहा है। महासागरों की लाइफ मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही टिपिकल लाइफ होती है और वहाँ पर थोड़ी थोड़ी चीज़ों से वहाँ के जो जीवन है उस पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। महासागर भी हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक तत्व है। इसके अलावा 8 किल्स मरीन एनिमल एंड बर्ड, यानी कि हम जब प्लास्टिक वेस्ट करते हैं तो वह महासागरों में चले जाता है, पानी में चला जाता है, तो पानी में रहने वाले जानवर वगैरह इन प्लास्टिक से मर जाते हैं, और जब ये जलता है तो टॉक्सिक गैसेस जो है हमारे वातावरण में घुल जाती है, तो वो वातावरण में घुलती है तो इससे जो वातावरण में उड़ने वाले पक्षी वगैरह हैं तो वे मर जाते हैं। और इसके अलावा 9th एंटर्स अवर फूड चेन, तो ये वहाँ पर पानी वगैरह में घुस जाते हैं, फिर ये बर्ड्स वगैरह मर जाते हैं जो हमारे वातावरण में होती है, तो इन सब की वजह से ये हमारे खाने की जो चेन है ना, सप्लाई चेन, उसमें भी चले जाते हैं। अगर हम प्लास्टिक को मिट्टी में बंद कर देंगे तो वो मिट्टी को प्रदूषित कर देगा, यानी कि उसको बोलते हैं लैंड पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन। तो ये सॉइल पोल्यूशन होगा तो वहीं पर ही अगर फसलें उगाई जाएगी उसी मिट्टी में, तो वो फसलों के ज़रिए हमारे खाने पीने में चले जाएगा। अगर हम मछली वगैरह तालाब वगैरह में प्लास्टिक के मॉलिक्यूल जाते हैं तो मछली खाएगी और मछली को हम खा लेंगे तो हमारे फूड सर्किल में पहुँच जाएगा, फूड चेन में पहुँच जाएगा, तो ये बहुत ही गलत चीज़ है। और इसके बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो हम इसके लिए थोड़ा बहुत चेंज तो कर सकते हैं, वैसे तो बड़े लेवल पर चलने के लिए हमारे पूरा बहुत टाइम लगेगा, लेकिन हम अपनी तरफ से थोड़े बहुत चेंज तो कर ही सकते हैं। जैसे कि यूज़ ए रीयूजेबल वाटर बॉटल, यानी कि जो रीयूज़ होने वाली वाटर बॉटल्स हैं उसको इस्तेमाल करना चाहिए। ब्रिंग ए यूजेबल बैग टू द स्टोर, जब भी हम कभी भी कोई सामान खरीदने जाएं मार्केट में तो दुकानदारों से पन्नी ना मांगें, क्योंकि पन्नी वगैरह जो है ये हमारे वातावरण के लिए प्रदूषित करती है। तो इससे बढ़िया यही है कि जो हमारे कपड़े का थैला होता है या जूट का थैला होता है वो लेके जाएं और उसमें सामान अपना लेकर आएं। अवॉइड ओवरली पैकेड आइटम एट द ग्रॉसरी स्टोर सच एज प्री कट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, यानी कि जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तरीके से पैक हुए आइटम्स होते हैं ना, जैसे कि पहले से ही कटे हुए सब्जी होती है, फल होते हैं, उसको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि वो पैकिंग में पैक होते हैं, तो ताकि वो ख़राब ना हो पाए। ग्रॉसरी शॉप एट ए बल्क फूड स्टोर, तो हमेशा एक बार में ही सारा सामान खरीद लेना चाहिए। अगर हम बार बार जाएंगे तो बार बार ज़्यादा पन्नी इस्तेमाल होगी, प्लास्टिक इस्तेमाल होगा, तो इससे बेहतर ये है कि हम सारा सामान एक साथ ही खरीद लें, बल्क में खरीद लें। रीपर्पस ओल्ड बॉटल और कंटेनर, यानी कि जो हमारे पास जो ओल्ड बॉटल वगैरह है, पानी की कंटेनर वगैरह है, तो हम इसको अलग तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डेकोरेटिव आइटम बनाने में कर सकते हैं। अगर कोई बड़ा कंटेनर है तो उसमें हम जो है फ्लावर पॉट बना सकते हैं उसका, मतलब कि बहुत सारे तरीके हो सकते हैं उसका। रिड्यूस योर वेस्ट थ्रू वेरियस मेथड लाइक वोटिंग विद योर डॉलर, यानी कि हमें दूसरे तरीके भी आजमाने चाहिए। लेकिन सरकार के प्लास्टिक बैन करने के फैसले को लेकर बेवरेज कंपनियां सहम गई है, क्योंकि देखा जाए तो सबसे ज़्यादा नुकसान तो बेवरेज कंपनियों को होने वाला है, और इसका सबसे बड़ा कारण सरकार द्वारा लगाया गया प्लास्टिक स्ट्रॉ पर बैन, क्योंकि प्लास्टिक स्ट्रॉ जूस वगैरह के कैन पर लगा के दिया जाता है जिससे बेवरेज कंपनियों को फ़ायदा होता है। और इसमें फ़ायदा क्या होगा, प्लास्टिक स्ट्रॉ बैन हो जाएगी तो उनका बिजनेस चौपट होने की नौबत भी आ सकती है, क्योंकि अगर पेपर वाला स्ट्रॉ लेके जाएंगे तो ये पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ पर इंडिया में कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है ही नहीं जो पेपर स्ट्रॉ बना दे, तो यहाँ पर और उसकी जो अगर इंपोर्ट भी किया जाए तो उसकी कीमत 5-6-7 टाइम्स जाती है, यानी कि अगर कोई सा स्ट्रॉ 1 रुपये का मिलेगा तो वो 7 रुपये का मिलेगा पेपर स्ट्रॉ, तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। और वाला जो स्ट्रॉ है ना पेपर वाला, तो वो अभी तक जो है मार्केट के लिए रेडी नहीं है, और अगर कोई से जूस बॉटल बिना स्ट्रॉ के सेल की जाएगी तो वो तो अपना बिजनेस ही बंद हो जाएगा उनका, बड़ी बड़ी कंपनियों का। तो इसी वजह से बहुत सारी कंपनियां जैसे कि अमूल है, पार्ले एग्रो है, तो उन्होंने ये बोला है कि भाई जो बैन है ना प्लास्टिक स्ट्रॉ के ऊपर वो 1 साल के लिए और बढ़ा दी, ताकि जो हम पेपर स्ट्रॉ वाला प्लांट है वो लगा सके। देखिए अमूल है, पार्ले है, बहुत सारी पेप्सिको है, कोका कोला है और दूसरी बेवरेज कंपनियाँ हैं,
जो इस बैन को एक्सटेंड कराना चाहती है ताकि वो अपने यहाँ पर पेपर स्ट्रॉ की यूनिट लगा सके। क्योंकि देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो प्लास्टिक के जो वर्स्ट ऑफेंडर्स हैं प्लास्टिक पॉल्यूशन के लिए वो कौन सी है, कोका कोला और पेप्सी, ये जो बेवरेज कंपनी है। आप तो समझ ही जाएंगे पेप्सी को की बहुत सारी जो है चिप्स बनाती है, कुरकुरे बनाती है और भी बहुत सारी नमकीन बनाती है, चीटोज बनाती है, तो इनका यहाँ का भी काम है। कोका कोला तो आप जानते हैं कि कोका कोला के बहुत सारे प्रोडक्ट है, थम्सअप है, स्प्राइट है, फेंटा है, तो ये सब जो है प्लास्टिक की बॉटल में दिया जाता है, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, ये बहुत बड़े ऑफेंडर्स हैं। तो इस वजह से अगर प्लास्टिक पे बैन लगेगा तो इनके जो बिज़नेस है वो तो हर्ट हो गई। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो, आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए @ इमरान सिद्दीकी और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है इमरान सिद्दीकी। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट यू प्रेसियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।